हेलो बच्चों तो हम लोग नीट का जो वन शॉट रिवीजन है और वन शॉट रिवीजन हम लोग कर रहे थे अपनी क्लासेस ऑफलाइन भी चल रही हैं ऑनलाइन भी चल रही हैं तो जब क्लास ऑफलाइन रहती है तो उन टॉपिक्स का मैं ऑनलाइन अभी नहीं ले पा रहा हूं लेकिन आगे चल के मैं उनको भी ऑनलाइन उन लेके के चलूंगा तो अभी जो टॉपिक्स हैं जो प्योरली ऑनलाइन चल रहे हैं ठीक है जैसे कल की क्लास अपनी होने वाली है और वो क्लास कल की अपनी ऑनलाइन होने वाली है तो उसमें हम लोग जो भी आगे के टॉपिक लेके चलेंगे एक एक करके ठीक है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज लेके चल रहे हैं क्या बायोमोलिक्यूल क्लास एलेवेंथ का जो साइटोलॉजी यूनिट है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे क्या है ना केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल को और बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल को एक साथ मर्ज करने लगते हैं वो सोचते क्या है कि दोनों एक है ठीक है दोनों एक नहीं बेटा दोनों में बहुत डिफरेंस है क्या डिफरेंस है हम बात करते हैं सबसे बेसिक केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना वहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी केमिकल ओरिएंटेशन और उनके केमिकल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ोगे यहाँ पर जो हम बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं या हमने अपनी ईयर लॉन्ग क्लास में पढ़ा है वो इनके बायोलॉजिकल एप्लीकेशन और बायोलॉजी से रिलेटेड जो पॉइंट आते हैं उनके बारे में है इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है ठीक है तो तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल में एकदम अलग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल में एकदम अलग हैं दोनों को एक करने की कोशिश मत करना दोनों को एक करने की कोशिश में जो है ना बहुत लोग निपट जाते हैं ठीक है तो ऐसा करना नहीं खैर वन शॉट शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल को क्या होता है बायोमोलिक्यूल बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी का लिविंग पार्ट है चाहे वो यूनि हो या मल्टी हो जो भी उनकी बॉडी का लिविंग पार्ट है और लिविंग पार्ट में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है बायोमोलिक्यूल तो शुरुआत करते हैं इसकी शुरुआत करते हैं इसकी कहाँ से सबसे पहले चैप्टर से क्या नाम है बायोमोलिक्यूल चैप्टर यहाँ पर जो आ, थोड़ा सा समझेंगे कि हम डीएनए को लेकर बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो डीएनए भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग पार्ट है जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कंटेंट है और इसलिए ये भी क्या है बायोमोलिक्यूल तो वन शॉर्ट में लेके चलना है इसलिए एक-एक करके इसको डिस्कस करेंगे ठीक है चलो शुरुआत करते हैं बायोमोलिक्यूल की तो बायोमोलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे दे आर द केमिकल कंपाउंड्स ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं दे आर दोज केमिकल कंपाउंड विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं दोनों को ही एक साथ कहा जाता है बायोमोलिक्यूल ठीक है याद रखना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हैं तो इट इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों पाए जाते हैं एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे एनालाइज़ करेंगे कि हमारे जो लिविंग टिश्यू है या जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं तो उसको लेकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं लिविंग टिश्यू हम प्लांट का भी ले सकते हैं हम एनिमल का भी ले सकते हैं यहाँ पर जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है वो लिया गया है वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर वेजिटेबल ले सकते हैं या लीवर का कोई पीस लीवर का मतलब अपना लीवर नहीं लेंगे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है ठीक है उसके लीवर का कोई पीस लेंगे और उस लीवर के पीस को हम क्या करेंगे ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करेंगे किस में मिलाकर ग्राइंड करेंगे ट्राईक्लोरो एसिड में एक कंपाउंड है ट्राईक्लोरोसिटिक एसिड सी एल थ्री सी सी डबल ओ एच एन एसिड कंपाउंड लेंगे उसमें मिलाकर हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे ऐसा ग्राइंड करेंगे कि वो थिक स्लरी पेस्ट जैसा बन जाएगा ठीक है कैसा बन जाएगा पेस्ट और फिर हम क्या करेंगे चीज़ क्लॉथ लेकर ठीक है क्या लेकर चीज क्लॉथ याद रखना हम चीज़ क्लॉथ ले सकते हैं या कॉटन क्लोथ ले सकते हैं ठीक है चीज क्लॉथ लिया और कॉटन क्लोथ लेकर उस स्लरी को फिल्टर कर लेते हैं ठीक वैसे जैसे केमिस्ट्री लैब में हम लोग वो फिल्टर पेपर लेकर फिल्टर किया करते थे ठीक है तो चीज़ क्लोथ लेकर या कॉटन क्लोथ लेकर हम इसको क्या कर लेंगे फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद अब हमारे पास दो पोर्शन हो जाएंगे ठीक वैसे जैसे अपन चाय छानते हैं ठीक है दो पोर्शन हो जाएंगे कौन कौन से दो पोर्शन हो जाएंगे एक पोर्शन वो हो जाएगा जो फिल्टर हो नीचे बीकर में आ गया ठीक है एक हो गया क्या जो नीचे बीकर में आ गया दूसरा पोर्शन वो होगा जो फिल्टर नहीं होगा और उस चीज़ क्लोथ या कॉटन क्लोथ में ही रह जाएगा ठीक है तो हमारे पास अब क्या है उस थिक स्लरी के दो पोर्शन हो गए एक पोर्शन जो फिल्टर हो गया है उसे कहा जाता है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन क्या कहा जाता है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड सॉल्युबल पूल याद रहेगा एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड सॉल्युबल पूल इसे फिल्ट्रेट भी कहा जाता है क्या कहा जाता है फिल्ट्रेट तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड सॉल्युबल पूल ठीक है उसे क्या कहते हैं फिल्ट्रेट दूसरा आता है जो फिल्टर नहीं हुआ ऊपर चीज क्लोथ में ही रह गया उसे बोलते हैं एसिड इन सोल फ्रैक्शन या उसे रिटेंटेट कहा जाता है क्या कहा जाता है रिटेंटेट तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए ठीक वैसे समझो जैसे मान लो हम चाय बना रहे हैं अब चाय अपन ने छानी ठीक है तो छन्नी होती है तो चाय छानते हैं तो कप में हमें चाय मिलती है तो वो हो गया फिल्ट्रेट और जो छन्नी होती है उसमें चाय की पत्ती वगैरह जो भी है वो उसमें रह जाता है अदरक ठीक है तुलसी या इलायची जो भी डालते हैं वो सब ऊपर रह जाता है तो जो ऊपर रह गया छन्नी में वो क्या है रिटेंटेड और जो चाय छन के चली गई है कहाँ कप में वो क्या है फिल्ट्रेट ठीक है तो चाय से आप लोगों को अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा तो वैसे ही है अब क्या किया अब हमने दोनों जो कै फ्रैक्शन है दोनों फ्रैक्शन कौन कौन सा है एक है फिल्ट्रेट और दूसरा है रिटेंटेड दोनों को जब एग्जामिन किया दोनों को जब एग्जामिन किया तो हमें क्या पता चला कि दोनों में अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड मिलते हैं कैसे मिलते हैं पहला है फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट जिसे हम एसिड सोलिबल पूल कहते हैं क्या कहते हैं एसिड सोलिबल पूल इंपॉर्टेंट आ जाता है एसिड सोलिबल पूल इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स कौन से मिलते हैं छोटे तो उन्हें कहा जाता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या कहा जाता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और जब एग्जामिन किया गया तो ये जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना मिला 1000 डाल्टन से कम मिला ठीक है कितना मॉलिक्यूलर वेट मिला 1000 डाल्टन से कम मिला और 1000 डाल्टन से कम मिला इसलिए उन्हें क्या कह रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स ठीक है बायो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं अब बात आती है कि इसको जब हम एनालाइज किए तो पता चला कि इसमें जो है ना साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन मिल रहा है क्या मिल रहा है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन यानी एसिड सोलबल पूल में फिल्ट्रेट में जो भी कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है किसका कंटेंट है साइटोप्लाज्म का हमने एक आगे की स्टडी के लिए एक एवरेज जब निकाला कि भाई बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में यानी फिल्ट्रेट जो होते हैं उसमें जो हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं इनका मोलिकुलर वेट वैसे तो हमें मालूम है वन थाउजेंड डाल्टन से कम होता है लेकिन रेंज क्या मिलती है तो पता चला कि भाई एटीन डाल्टन से एट हंड्रेड डालटन के बीच मिलती है ठीक है अट्ठारह डाल्टन से आठ सौ डालटन के बीच बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं दूसरा हमें मिलता है रिटन टेट की बात करें तो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन कहा जाता है वो जो छन्नी में रह गई थी चाय की पत्ती अदरक ठीक है तुलसी और जो भी गरम मसाला शिमला मिर्च जो डालना है डाल दो ठीक है आजकल सब लोग है ना सब लोग अलग अलग तरह की चाय बनाने लगे हैं ना आजकल चाय के भी स्टार्टअप चलने लगे हैं एम बी ए चाय वाला चाय सुट्टा बार ठीक है सब चलने लगे हैं स्टार्टअप मतलब चाय की दुकान लगाना भी एक स्टार्टअप हो गया ठीक है तो हो क्या रहा है कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हम बात कर रहे हैं किसकी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की जो छन्नी में रह गया उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इसीलिए वो फ़िल्टर नहीं हो पाया बड़े मॉलिक्यूल्स और जो बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहे जाते हैं क्या कह जाते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जब हमने एग्ज़ामिन किया तो हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मालिकूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा मिलता है कितना मिलता है 1000 डाल्टन से ज़्यादा मिलता है अब 1000 थाउजेंड से ज्यादा मिलता है यानी होना चाहिए यह बात है क्या होना चाहिए लेकिन होता कितना होता है 10000 थाउजेंड से भी ज्यादा ठीक है फाउंड टू बी मोर देन 10000 थाउजेंड डाल्टन ये बात याद रखना है फाउंड टू बी मोर देन 10,000 थाउजेंड यानी हम कहते हैं कि 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो हम हमसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं लेकिन होता कितना है वन थाउजेंड से तो ज्यादा हमें कोई मिला ही नहीं जो भी सबसे छोटा मिला वो कितना मिला टेन थाउजेंड डाल्टन से ज्यादा ठीक है तो इट इज एज्यूम दैट देयर मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन वन थाउजेंड डाल्टन एज्यूम बट इट इज फाउंड दैट देयर मॉलिकुलर वेट इज मोर देन टेन थाउजेंड डाल्टन इट कंटेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट कंटेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म का भी पार्ट है ऑर्गेनल्स का भी पार्ट है दोनों का पार्ट है किसमें रिटेन में ठीक है ये हो गया ओवरऑल जब हम एग्जामिनेशन करते हैं अब हम एग्जामिनेशन करें कि इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या क्या मिलता है समझने की कोशिश करें तो इनऑर्गेनिक कंटेंट यानी किसी भी बायो मॉलिक्यूल या लिविंग मॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उसके लिए हमने क्या किया तीन स्टेप है पहला स्टेप क्या है हमने जो लिविंग टिश्यू लिया जनरली हम प्लांट टिश्यू लेते हैं इसके लिए इनऑर्गेनिक कंटेंट को अगर हमें आइडियलाइज कर रहे हैं एनिमल टिश्यू भी ले सकते हैं लेकिन आसानी से प्लांट टिश्यू को लेकर किया गया ठीक है हमने प्लांट टिश्यू को लिया और प्लांट टिश्यू को प्रॉपरली हमने ड्राई कर दिया ड्राई कर दिया जिसमें से क्या है उसका जो भी वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो गया ठीक है क्या इवेपोरेट हो गया वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो गया उसके बाद जो रिमेनिंग ड्राई वेट है हमने उसको बर्न कर दिया यानी कोई लीफ लिया ठीक है कुछ लीव्स ली कई बहुत सारी लीव ली हमने थोड़ा तो ड्राई कर दिया ड्राई करने के बाद वो लीफ क्या हो गई सूख गई उसके बाद आग लगा दी ठीक है जला दिया जलाने के बाद क्या होगा जो उसमें केमिकली बाउंड वाटर वेपर होगा कुछ ऐसा वाटर वेपर होगा जो अंदर होगा वो भी क्या होगा वो भी रिमूव हो जाएगा और उसके साथ साथ हमने जब बर्न किया तो उसमें जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑक्सीडाइज और उसमें से क्या रिलीज होगा सीओ टू टू के साथ क्या रिलीज होगा वाटर ये वो वाटर है जो केमिकली कंबाइंड वाटर है ये वाटर नॉर्मल ड्राई करने पर इवेपोरेट नहीं हुआ ये वाटर कैसे इवेपोरेट हुआ है बर्न करने पर तो याद रखना बर्न करने पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होते हैं सीओ टू और वाटर वेपर इवॉल्व मतलब रिलीज होता है अब क्या मिलेगा भाई कोई भी लकड़ी जलाओ या कोयला जलाओ या कोई भी लीफ को अगर हमने जला दिया तो जलाने के बाद हमने उसमें उस क्या मिलता है राख ऐश ठीक है राख मिलती है अब उस राख का जब एग्जामिनेशन करेंगे जब उस एश को हम क्या करेंगे एग्जामिन करेंगे एनालाइज करेंगे तो हमें उसमें क्या मिला हमें उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिले क्या मिले इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिले मेनली मिलता है याद रखना दो ही नाम लिखा है कैल्शियम मैग्नीजियम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले कौन से सल्फेट एंड फॉस्फेट बहुत सारे मिलते हैं लेकिन ये इनका नाम मेनली मेन कैटेगरी में लिया गया है कैल्शियम मैग्नीजियम सल्फेट एंड फॉस्फेट तो ये हमें मेन एलिमेंट और मेन कंपाउंड मिलते हैं किसमें इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में लेकिन इतना ही नहीं मिलता और भी मिलता है क्या मिलता है जरा समझने की कोशिश करें तो यहाँ एक हमें टेबल दिख रहा है ठीक है ये टेबल क्या दिख रहा है अगर हम वेट परसेंटेज मेजर कर रहे हैं क्या कर, कर है? मेजर कर रहे हैं वेट परसेंटेज मेजर कर रहे हैं वेट परसेंटेज मेजर कर रहे हैं किसका अर्थ क्रस्ट का और ह्यूमन बॉडी का कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं तो जरा देखो हाइड्रोजन हमें मिलता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में मिलता है ज़ीरो पॉइंट वन फोर परसेंट ह्यूमन बॉडी में मिलता है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है ये याद रखना है कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हैं कार्बन की बात करें तो कार्बन मिलता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट जो एटमोसफेरिक कार्बन है जीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री अब पॉल्यूशन इतना हो गया है कि अभी बढ़ के कितना पहुंच गया है जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर तो अगर ऑप्शन में आपको जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर मिले तो आश्चर्य नहीं करना ठीक है थर्ड हम बात करेंगे अच्छा इसका कार्बन की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में तो 18.5 परसेंट एटीन परसेंट कार्बन है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 46.6 परसेंट है अर्थ क्रस्ट में और 65 परसेंट है ह्यूमन बॉडी में याद रखना नाइट्रोजन वेरी लिटिल इन अर्थ क्रस्ट एटमॉस्फेरिक एयर में है लेकिन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है और ह्यूमन बॉडी में थ्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे प्रोटोप्लाज्म का सल्फर 0.03 ह्यूमन बॉडी में 0.3 सोडियम 2.8 परसेंट ह्यूमन बॉडी में 0.2 परसेंट कैल्शियम 3.6 परसेंट ह्यूमन बॉडी में 1.5 परसेंट मैग्नीशियम 2.1 परसेंट ह्यूमन बॉडी में 0.1 परसेंट सिलिकॉन सिलिकॉन जो हमारा अर्थ क्रस जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन करता है सिलिका 27.7 परस और ह्यूमन बॉडी में सिलिका होता है नेग्लेजिबल ठीक है याद रखना ह्यूमन बॉडी में कैसा होता है नेग्लेजिबल ठीक है उम्मीद है ये ध्यान रहेगा अब इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है दोनों में कौन सा सबसे हाई है तो ऑक्सीजन दोनों में सबसे हाई ये देखो 46.6 सिक्स पॉइंट परसेंट में और 65 परसेंट ह्यूमन बॉडी में ठीक है अर्थ क्रस्ट में सेकंड आता है सिलिकन 27 परसेंट और थर्ड आता है कैल्शियम 3.6 परसेंट ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सेकंड आता है कार्बन 18.2 परसेंट और थर्ड आता है नाइट्रोजन जो कि 3.3 परसेंट तो ये कभी कभार इनके परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट ये याद रखना ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट जैसे कि अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन सबसे नेग्लेजिबल है और ह्यूमन बॉडी में सिलिका सबसे नेगेलिजिबल है तो क्लासिफिकेशन में देखा कि बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक एक करके इनको देखेंगे सबसे पहले बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो है बच्चों ये छोटे कंपाउंड्स होते हैं इसीलिए नाम पड़ा है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका मोलिकुलर वेट फाउंड टू बी लेस देन वन थाउजेंड इनका मोलिकुलर वेट हमें वन थाउजेंड से लेस मिला है और इसीलिए इन्हें बायो माइक्रो मोलिक्यूल कहा जाता है लेकिन जब हमने एनालाइज किया कि भाई वन थाउजेंड से कम तो कितना कम एक रेंज मिलती है और रेंज क्या मिलती है एटीन से लेके एट हंड्रेड ठीक है एटीन से लेकर एट हंड्रेड के बीच पाए जाते हैं ये है बायो माइक्रो जो मेनली चार तरह के होते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड लिपिड शुगर और नाइट्रोजनस बेस आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अमीनो एसिड अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक ही कंपाउंड पे अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों अरेंज होता है उसे कहते हैं टिपिकल अमीनो एसिड तो अ टिपिकल अमीनो एसिड इज फॉर्म ऑफ एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एंड एच एंड एन वेरिएबल ग्रुप एक हाइड्रोजन और एक वेरिएबल ग्रुप होता है और दोनों ये सेमी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं अमीनो ग्रुप भी और एसिडिक ग्रुप भी यहाँ पर एक डायग्राम बना देखो कार्बन है कार्बन पे एक तरफ अमीनो ग्रुप दिख रहा है एक तरफ कार्बोक्सिली ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप दिख रहा है एक हाइड्रोजन इससे अटैच होता है और एक वेरिएबल ए आर हो गया वेरिएबल ग्रुप आर जो है वो अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग पाया जाता है इसलिए उसका नाम पड़ा है वेरिएबल ग्रुप बाकी जो तीनों हैं, तीनों मतलब कौन अमीनो एसिड अमीनो एसिड और हाइड्रोजन यानी अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन ये सेम होते हैं सभी अमीनो एसिड में केवल डिफरेंस किसका होता है आर का वेरिएबल ग्रुप का और जो अमीनो एसिड में जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन ठीक है और इसीलिए हम अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड दोनों एसिडिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े होते हैं इसलिए हम कहते हैं अल्फा कार्बन और अमीनो एसिड को कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड याद रखना है तीन एग्जाम्पल याद रखने किस ले को लेकर उसके स्ट्रक्चर को लेकर पहला देखो पहले में वेरिएबल ग्रुप पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये अमीनो एसिड कौन सा है ग्लाइसिन दूसरे में वेरिएबल ग्रुप पे क्या प्रेजेंट है सी एच थ्री सी एच थ्री है तो ये कौन सा है एलनिन तीसरा है क्या प्रेजेंट है सी एच टू एच तो ये अमीनो एसिड कौन सा है सीरीन बाकी देखो तीनों में सब कुछ क्या है सेम है और सब कुछ सेम है केवल डिफरेंस किसका है आर ग्रुप का वेरिएबल ग्रुप का तो ये तीन अमीनो एसिड याद रखना केमिकल नेचर की बात करें तो अमीनो एसिड तीन टाइप के होते हैं तीन टाइप के मतलब कौन कौन से एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड कौन होते हैं ऐसा अमीनो एसिड जिनमें एसिडिक ग्रुप का नंबर अमीनो ग्रुप से ज्यादा होता है यानी बेसिक ग्रुप से ज्यादा होता है उन्हें कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड और इसका एग्जाम्पल मिलता है ग्लूटामिक एसिड याद रखना क्या मिलता है ग्लूटामिक एसिड ठीक है ग्लूटामिक एसिड दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड इसकी बात क्या है इसमें बेसिक ग्रुप का नंबर एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा मिलता है इसलिए इसे बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं याद रखना एग्जाम्पल लाइसिन और तीसरा है न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें दोनों का नंबर बराबर होता है इसीलिए कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड एग्जाम्पल है वैलीन। इसके अलावा कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी हैं जो एरोमेटिक हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमें टायरोसिन फिन एलेनिन और ट्रिप्टोफेन तीन मेन अमीन अमीनो एसिड मिलते हैं याद रखना टायरोसिन फिनयल एलेनिन और ट्रिप्टोफेन टोटल ट्वेंटी टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अलग अलग तरह के प्रोटीन है और जितने भी प्रोटीन है वो सभी कितने अमीनो एसिड से बने हैं ट्वेंटी अमीनो एसिड से बने हैं इस बात को याद रखना है और अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट आर ऑफ टू टाइप तो जो ट्वेंटी अमीनो एसिड है वो दो टाइप के हैं कौन कौन से एक है एसेंशियल अमीनो एसिड दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है और मेनली प्लांट सोर्स से लेना पड़ता है कहाँ से लेना पड़ता है प्लांट सोर्स से एग्जाम्पल लाइसिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एंड ट्रिप्टोफैन ये चार तो आपको याद ही रखने हैं है तो दस लेकिन याद रखने कितने चार दस याद होना हो ये चार याद होने चाहिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और इसके भी चार एग्जाम्पल याद रखना है ग्लाइसिन एलेनिन सीरिन और एर्जिनिन ये भी दस होते हैं लेकिन चार याद रखना है और भूलना नहीं है केमिकल नेचर की बात करें अमीनो एसिड की तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं एम्फोटेरिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं और पीएच के चेंज को मतलब पीएच चेंज होने को अवॉइड करते हैं रेजिस्ट करते हैं और आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं सोल्यूशन में एक्वा सोल्यूशन में और आयनिक फॉर्म में चेंज होते हैं तो इनमें एक तरफ पॉजिटिव आयन और एक तरफ नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन देखा जाता है और ऐसे कंपाउंड जिनमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन देखा जाता है उन्हें ज्विटर आयन कहा जाता है और अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनमें पोलरिटी डेवलप होती है और इसीलिए इन्हें पोलर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल तो ये पॉइंट याद रखना अमीनो एसिड को लेकर नेक्स्ट आते हैं लिपिड पे लिपिड जनरली हम इन्हें क्या बोलते हैं ऑयल्स तो जो भी एडबल ऑयल होते हैं ठीक है नॉन पेट्रोलियम ऑयल की बात कर रहे हैं जो भी ऑयल्स होते हैं और जो भी फैट होते हैं ये सभी क्या है ये सभी लिपिड के टाइप हैं और वाटर इन्सॉलिबल होते हैं ठीक है ऑयल कभी वाटर मिलाओ तो घुलेगा नहीं वाटर इन्सॉलेबल होते हैं इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों प्रेजेंट होते हैं बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस ठीक है ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है तो इसीलिए ये एक पर्टिकुलर नेचर जो है वो डेवलप कर पाते हैं टाइप ऑफ लिपिड की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड और डिराइव लिपिड कौन कौन से होते हैं ये लिपिड जरा देखें सबसे पहले बात करें सिंपल लिपिड सिंपल लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बनता है एक फैटी एसिड और एक एल्कोहल ठीक है एल्कोहल तो आपको जाना पहचाना लग ही रहा होगा फैटी एसिड भी पाया जाता है और जिस किसी लिपिड में केवल यही दो कंपाउंड होते हैं उसे कहा जाता है सिंपल लिपिड ठीक है क्या होते हैं यही दो कंपाउंड होते हैं अब जो इसमें फैटी एसिड है और अल्कोहल है दोनों की बात करें तो फैटी एसिड क्या मिलता है बेटा फैटी एसिड हमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का एसिडिक ग्रुप मिलता है यानी एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है जिसपे एक किनारे पर एसिडिक ग्रुप अटैच है और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को हम आर यानी वेरिएबल ग्रुप से डिनोट करते हैं एग्जाम्पल देखें जरा ये देख लो भाई लंबी हाइड्रोकार्बन चेन अब लंबी हाइड्रोकार्बन चेन में देखेंगे कि अगर इस लंबी हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में किसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में तो इसे हम बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड और ऐसी भी मिल सकते हैं जिसमें कम से कम एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहा जाता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो यहां पे हमें एग्जाम्पल मिलता है क्या एग्जाम्पल मिलता है हमें पामिटिक एसिड का एग्जाम्पल मिलता है जो कि सेचुरेटेड फैटी एसिड है और 16 कार्बन का अमीनो एसिड है कितने कार्बन 16 कार्बन याद रखना और वहीं एरेडोनिक एसिड मिलता है जो कि 20 कार्बन का अमीनो एसिड है इसमें हमें चार डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो ये फैटी एसिड का एग्जाम्पल है तो टाइप ऑफ फैटी एसिड दो तरह के हो गए एक सैचुरेटेड एक अनसे सैचुरेटे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ठीक है कार्बन कार्बन के बीच में यानी कार्बन की जो चेन है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे सैचुरेटेड और जहां पर कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे कहेंगे अनसेचुरेटेड एग्जाम्पल क्या मिलता है यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल पामिटिक एसिड सेचुरेटेड स्टीयरिक एसिड सेचुरेटेड ओलईक एसिड अनसेचुरेटेड और इससे पहले हमने देखा अरेकेडोनिक एसिड ये रहा अरेकेडोनिक एसिड डोनिक एसिड भी क्या है अनसेचुरेटेड अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं सेचूरेटेड फैट यानी लिपिड से ही क्या बनता है फैट और अनसेचुरेटेड फैट में दोनों में क्या डिफरेंस है देखने की कोशिश करते हैं हम ऐसे बात कर सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है तो जो सेचूरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये जनरली बच्चों ये एनिमल फैट सोर्स होता है इनका क्या सोर्स होता है एनिमल सोर्स से मिलते हैं एनिमल सोर्स से मिलते हैं चाहे वो मीट हो गया चाहे बटर हो गया चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो गया एनिमल सोर्स से मिलेंगे एनिमल सोर्स से मिलेंगे सो दे आर फाउंड टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जो चर्बी है वो भी किसका एग्जाम्पल है सेचुरेटेड फैट का और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे जैसे अगर हम बात करें घी हो गया बटर हो गया इट दे आर फाउंड टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और ये बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं क्या बढ़ाते हैं बैड एलडीएल को बढ़ाते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इनकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर कोई एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में इनको कंज्यूम करता वहीं अन फैटी एसिड जो कि वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है क्या बनाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर बनता है तो वो एलडीएल लो डेंसिटी यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को भी कम करता है जिससे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन कम होता है और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज ठीक है की कमी आती है ठीक है तो यहां पर आपने अगर सुना होगा कि एक जो भी एडेबल ऑयल का एड आता है तो उसमें लिखा होता है एनरिस्ड विद पुफा पुफा मतलब पॉलीअुरेटेड फैटी एसिड तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहता है तो वो क्या करेगा सेचूरेटेड फैटी एसिड के कंटेंट को कम करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट को कम करेगा और एल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्मेशन को भी कम करता है और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल जो कि अल्कोहल फॉर्म है ठीक है तो हमने पढ़ा कि फैटी एसिड और अल्कोहल दोनों होता है तो अल्कोहल के फॉर्म में कौन अटैच होता है ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल क्या बोलते ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन और ये हम देखेंगे ग्लिसरॉल है सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच अब इसमें जो ओ OH एच ग्रुप है वन टू और थ्री ठीक है तीन ओएच ग्रुप है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ट्राई प्रोपेन ठीक है अगर एक फैटी एसिड डिपॉजिट हुआ वन वाली पोजीशन पे तो ये क्या बन जाएगा ये बनेगा वन और टू दोनों पे एक फैटी एसिड अटैच हुए तो बनेगा डाइग्लिसराइड और अगर वन टू और थ्री तीनों पे फैटी एसिड अटैच हुए तो ये बनेगा ट्राइग्लिसराइड और उसी ट्राइग्लिसराइड को हम क्या बोलते हैं फैट ठीक है तो जब तक है जब जब तक ये ऑयल के फॉर्म में मिलेगा जब हमें ट्राइग्लिसराइड मिल जाएगा तो उसी ट्राइग्लिसराइड को हम क्या बोलते हैं फैट तो फैट क्या करते हैं बेटा ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं कैसे बनाते हैं इसी जो एल्कोहल हमने देखा एल्कोहल देखो वहां पर ग्लिसरॉल सी एच टू ओ एच उसके ओ एच से ये एक फैटी एसिड की चेन अटैच हो गई कौन सा बॉन्ड बनेगा एस्टर बॉन्ड बनेगा ठीक है एस्टर बॉन्ड बनेगा डीहाइड्रेशन होगा एक एस्टर के फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा कैसा होता है एस्टर बॉन्ड देखो यहाँ पे आर ओ आर ठीक है आर एक वेरिएबल ग्रुप है ओ और एक दूसरा वेरिएबल ग्रुप इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है एस्टर बॉन्ड बन रहा है ठीक है और ऐसे ही अगर देखेंगे एक फैटी एसिड अटैच हुआ तो पहले कॉलम में देखो एक फैटी एसिड अटैच हुआ तो ये दो अटैच हुआ डाइग्लिसराइड तीन अटैच हुआ ट्राइग्लिसराइड ये है ट्राइग्लिसराइड ठीक है तीनों ओएच OH पे एक एक फैटी एसिड अटैच हो जाता है तो कहते हैं ट्राइग्लिसराइड ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है किसका ट्राइग्लिसराइड का आप देख सकते हो एक फैटी एसिड आर वन दूसरा फैटी एसिड आर टू तीसरा फैटी एसिड आर थ्री और तीनों क्या कौन से बॉन्ड बनाते, है? बनाते, है? बनाते हैं एस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं अगला आता है कंपाउंड लिपिड तो सिंपल लिपिड में हमने देखा दो चीजें पाई जाती हैं फैटी फैटी एसिड एसिड और 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 अल्कोहल अल्कोहल अगर के अलावा कुछ प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे क्या कंपाउंड लिपिड जैसे कि यहां पर देखेंगे फॉस्फोलिपिड एक एग्जाम्पल मिलता है फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड में हम देख रहे हैं कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है क्या अटैच है फॉसफेट ग्रुप अटैच है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इस, इस इसका एग्जाम्पल बनता है लेसिथिन जो कि हमारी सेल मेंब्रेन का कंटेंट है हमने सेल मेंब्रेन पढ़ा है तो पढ़ा है क्या बाईलेयर्ड फॉस्फोलिपिड पाया जाता है ठीक है एम्फीपैथिक अरेंजमेंट अगर आपने याद होगा सेल में मोजेक मॉडल पढ़ा होगा एम्फीपैथिक अरेंजमेंट बाईलेयर्ड फॉस्फोलिपिड वो फॉस्फोलिपिड कौन सा है लेसिथिन यही है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल है तीसरा आता है डिराइव लिपिड डिराइव लिपिड क्या है सिंपल और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस से जो लिपिड बनता है उसे कहते हैं डिराइव लिपिड सो दे आर प्रोड्यूसड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड यही इसकी डिफिनीशन है एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जिसका केमिकल नेम जाता है साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोपेनाथ्रीन ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ यूज होता है भाई सेल मेम्ब्रेन का कंटेंट बनाने में सेल मेम्ब्रेन में वन से लेके थ्री परसेंट तक कोलेस्ट्रॉल होता है जो भी स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स हैं उनको बनाने में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एनावॉलिक रिएक्शंस को प्रमोट करता है ठीक है तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है डिराइव लिपिड का तो बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट जो है लिपिड दो तरह के होते हैं फैट और ऑयल फैट विच आर फाउंड टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ऑयल विच आर फाउंड टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम बात करेंगे केवल किसकी वो कार्बोहाइड्रेट जो बायो के बायो मॉलिक्यूल में रिलेटेड है ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम कॉमनली शुगर के नाम से जानते हैं हालांकि हर एक कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता इसलिए सारे शुगर मीठे नहीं होते ये बात याद रखनी है ठीक है शुगर आर स्वीट जनरली लेकिन बात करें तो शुगर आर स्वीट एंड वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ये सिंपल शुगर को लेकर बात हो रही कि जो सबसे सिंपल शुगर होते हैं वो स्वीट होते हैं और वाटर सॉलिबल होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल ये दिया है कि इनमें एक सर्टेन रेशियो में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वन एज टू टू इस टू वन और फॉर्मूला यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है सी सिक्स एस ओ सिक्स ग्लूकोज सी इलेवन एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन जो कि सुक्रोज और सुक्रोज एक डाई है यानी दो सिंपल शुगर के मिलने से बना है ठीक है एक दो सिंपल शुगर के मिलने से बना है सुक्रोज याद रखना है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के आ, मिलने से बना है हालांकि सी सिक्स जो है तीन आ, सिंपल शुगर का फार्मूला मिलता है तीनों आइसोमर हैं एक दूसरे के ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों आइसोमर हैं और तीनों का सेम फॉर्मूला मिलता है अब बात आती है कि जो हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर का हमें दो शुगर है यहाँ पर एक ग्लूकोज और दूसरा राइबोज ग्लूकोज जो कि सिक्स कार्बन का शुगर है और ये उसका रिंग कंपाउंड है राइबोज जो कि फाइव कार्बन का शुगर है और ये इसका रिंग कंपाउंड स्ट्रक्चर है याद रखना इसका यूज होता है राइबोज का यूज होता है न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में किस में यूज होता है न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में दोनों की खास बात है कि जो सिक्स कार्बन का शुगर है उसमें सिक्स कार्बन उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से बाहर होता है और फाइव कार्बन के शुगर में जो फिफ्थ कार्बन है वो उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से बाहर होता है ठीक है तो ये देखना टेल की तरफ बाहर निकले होते हैं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर और राइबोज यानी पेंटोज शुगर पांच कार्बन का शुगर है उसका रिंग स्ट्रक्चर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है आप देखो पेंटोज शुगर में जो सेकेंड कार्बन है अगर सेकेंड कार्बन पर ओ OH प्रेजेंट है तो ये कहलाता है राइबोज और अगर सेकेंड कार्बन पर केवल एच प्रेजेंट है तो ये कहलाता है डी ऑक्सीराइबो ठीक है अगर ओ एच प्रेजेंट है राइबोज इसका यूज होता है आर के फॉर्मेशन में केवल एच प्रेजेंट है अगर इस पोजीशन पर तो उसे बोलेंगे डी ऑक्सीराइबोज और ये यूज होता है डी के फॉर्मेशन में तो डीएनए और आर में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है राइबोस शुगर का और राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पर अटैच ओ एच और एच का तो अगर ओ एच प्रेजेंट है तो राइबोज शुगर है जो आर बनाएगा अगर एच प्रेजेंट है तो डी ऑक्सीडाइवो शुगर है जो डीएनए बनाएगा नेक्स्ट आता है नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड होते हैं याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और यूज होते हैं कहाँ न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए यूज होते हैं नाइट्रोजनस बेस दो तरह के पाए जाते हैं प्यूरिन और पिरमिडीन प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में दो रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं प्यूरिन और जिनमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं तो और दो होते हैं प्यूरिन हो गया दो एडनिन और ग्वानिन तो याद रखना एजीपीओ एजीपीओ मतलब एडिनिन ग्वानिन दोनों मिला के प्यूरिन तो एजीपीओ इससे याद रहता है ठीक है और बचे तीन साइटोसिन थाइमिन और यूरासिल ये क्या है पिरिमिडिन ये सिंगल रिंग कंपाउंड है ठीक है याद रखना अब बात ये है यहां पर दो पॉइंट देखना थाइमिन और यूरासिल थाइमिन फाउंड ओनली डी डीएनए एूरासिल फाउंड ओनली आर आरएनए बाकी जो है डी और आर दोनों में पाए जाते हैं थाइमिन पाया जाता है केवल डीएनए में यूरासिल पाया जाता है केवल आरएनए में नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस की बात करें वही हमने बोला दो होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पिरिमिडीन ठीक है ये इनका स्ट्रक्चर है देख सकते हो प्यूरिन प्यूरिन कौन कौन से हैं एडेनिन और ग्वानिन पिरिमिडीन कौन कौन से हैं थायमिन साइटोसिन और यूरासिन अब होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनसे अटैच होता है पेंटो शुगर पेंटोशुगर शुगर कौन सा राइबोस पांच कार्बन का भी हमने देखा था ना राइबोस तो अगर नाइट्रोजनस बेस से शुगर अटैच हो जाए तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड क्या बनाता है न्यूक्लियोसाइड तो जैसा नाइट्रोजनस बेस मतलब जैसा नाइट्रोजनस बेस वैसा न्यूक्लियोसाइड क्योंकि शुगर सब में कॉमन है तो नाइट्रोजनस बेस एक है यहां पर एडनिन ठीक है एडनिन एडीनिन में अटैच हो गया पेंटोस शुगर क्या बनाएगा एडिनोसिन ग्वानिन में अटैच हो गया पेंटो शुगर क्या बनाएगा ग्वानोसिन साइटोसिन में अटैच हो गया शुगर क्या बनाएगा साइटिडीन में अटैच हो गया पेंटो शुगर क्या बनाएगा था यूरासिन में अटैच हो गया पेंटो शुगर क्या बनाएगा यूरिडीन तो ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइड के कब बनेगा न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस वन अटैच विद पेंटोस शुगर और कैसे अटैच होगा देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा क्या अटैच होगा बेटा फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा याद रखना है फर्स्ट कार्बन पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो वह शुगर से अटैच होता है तो क्या बनाता है न्यूक्लियोसाइड ठीक है दोनों में ही दिख रहा है फर्स्ट कार्बन पे अब एक इंपॉर्टेंट बात अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए कौन सा ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड तो शुगर कॉमन हो गया फॉस्फेट ग्रुप कॉमन हो गया डिफरेंस किसका है नाइट्रोजनस बेस का तो जैसा नाइट्रोजनस बेस वैसा न्यूक्लियोसाइड और वैसा न्यूक्लियोटाइड क्या क्या न्यूक्लियोटाइड बनेगा देखो एडेनिन से बना एडेनाइलिक एसिड ग्वानीन से बना ग्वानिक एसिड साइटोसिन से बना एसिड थाइमिन से बना था एसिड और यूरेसिल से बना एसिड तो ये पांच तरह के न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं और ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है देखो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ कौन सा कार्बन फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे क्या अटैच हुआ फिफ्थ कार्बन पे अटैच हुआ फॉस्फोरिक एसिड फिफ्थ कार्बन और ये तीनों मिलकर क्या बन गए न्यूक्लियोटाइड ये तीनों मिलकर क्या बन गए न्यूक्लियोटाइड अब बोला गया कि न्यूक्लियोटाइड आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंपाउंड होते हैं अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग नाइट्रोजन बेस होते हैं और कुछ दो रिंग वाले हो गए कुछ सिंगल रिंग वाले हो गए न्यूक्लिक एसिड डीएनए आर आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जैसे कोई नेकलेस बनाने के लिए पर्ल की जरूरत होती है वैसे ही न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है तो दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट आते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल बायो हमने पढ़ा कि बायो जनरली कौन है भाई ये वो हैं जो 800 डाल्टन या बोला जाए 1000 डाल्टन से ऊपर होते हैं और इसको लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई लिपिड को लेकर है ठीक है लिपिड एक्सेप्शन है लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मॉलिकुलर वेट तो इसका 800 हंड्रेड से कम है बट इट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन अपने जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से ये पॉलीमर नहीं बनाता लेकिन ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से इट इज फाउंड इन एसिड इनसोलिबल फ्रैक्शन यानी ये रिटेंटेट फॉर्म में मिलता है मिलना किसने किसमें चाहिए था जो याद करो हमने चाय छानी थी तो मिलना तो इसे चाय में चाहिए था लेकिन मिलता किसमें है चाय की पत्ती में यानी रिटेंटेट में मिलता है तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कौन लिपिड लिपिड को लेकर एक्सेप्शन है इट्स मॉलिकुलर वेट इज लेस देन एट हंड्रेड डेल्टन बट इट इज फाउंड इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन यानी रिटेंटेट में मिलता है सो बायो बायोक्रोमोलिक्यूल दे आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैविंग मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन वन थाउजेंड डेल्टन होना चाहिए लेकिन मिलता कितना है मोर देन टन थाउजेंड डेल्टन क्योंकि बड़े कंपाउंड बनाते हैं चाहे वो प्रोटीन हो चाहे पॉलीसेक्राइड हो चाहे न्यूक्लिक एसिड हो ये कैसे कंपाउंड है बड़े कंपाउंड है और ये तीन एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके बायो माइक्रोमोलिक्यूल के इंपॉर्टेंट आ जाता है लिपिड को लेकर वही बात मॉलिकुलर वेट ऑफ लिपिड डू नॉट एक्सीड 800 हंड्रेड एल्टन बट इट इज फाउंड इन सोलबल फ्रैक्शन में डबल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर बनाता है एंड दैट इज वाई जब हम सेल को ग्राइंड करते हैं या ब्रेक करते हैं सो इट फॉर्म वेसिकल्स ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है और वेसिकल्स का फॉर्मेशन करने के बाद इट इज नॉट फाउंड इन ये किस में नहीं मिलता वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन यानी एसिड सोलिबल फ्रैक्शन में नहीं मिलता बट ये याद रखना है लिपिड इज नॉट अ स्ट्रिक्टली लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ माइक्रो ये बायो माइक्रो नहीं है है क्या बायो माइक्रो लेकिन मिलता किसके साथ है बायो मैक्रो के एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करें ठीक है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल हर साल इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है और सबसे ज्यादा तो पूछता है इसको लेकर न्यूक्लिक एसिड को लेकर पिछले अगर मैं बोलूँ पाँच सालों में दो बार इससे लेकर क्वेश्चन आए ठीक है तो याद रखना क्या क्या है वाटर कितना मिलता है सेवेंटी से नाइन्टी परसेंट वाटर कितना मिलता है सेवेंटी से नाइन्टी परसेंट प्रोटीन कितना मिलता है टेन से फिफ्टीन परसेंट कार्बोहाइड्रेट कितना थ्री परसेंट याद रखना है परसेंटेज लिपिड टू परसेंट न्यूक्लिक एसिड फाइव टू सेवन परसेंट और आयंस मिलते हैं वन परसेंट याद रखना है आते हैं प्रोटीन पर प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के कोई भी प्रोटीन एक से ज्यादा तरह के अमीनो एसिड से बना होता है कभी भी एक ही तरह का अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता सो प्रोटीन आर नेवर फाउंड टू बी होमोपोलीमर एंड दे आर ओनली फाउंड टू बी है ठीक है और ये जो अमीनो एसिड हैं आपस में कैसे जुड़ते हैं पॉलीपेप्ट मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और एक चेन बनाते हैं उस चेन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक चेन दिख रही है अलग अलग अमीनो एसिड की और ये जो चेन है अलग अलग अमीनो एसिड के जुड़ने से बनी है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड मिलता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड ये भी कैसे बनता है डिहाइड्रेशन से बनता है डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे हर एक पेप्टाइड बॉन्ड में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे ठीक है और हमने बोला प्रोटीन बड़ा फंक्शनल जो है कंपाउंड है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जरा देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है सो प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और टिश्यू रिपेयर के लिए क्योंकि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है इसके अलावा कुछ प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर्स ठीक है मतलब प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कराते हैं सब्सटेंसेस का जैसे कि एग्जांपल है ग्लूट ग्लूट 4 एक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है किसके ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज एग्जाम्पल याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है टेनिस्टार टाइप का एग्जाम्पल है ठीक है इंटर इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस यानी टिश्यूज के ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स भी बनाता है जैसे कोलेजन ये इन्फेक्शन से भी लड़ने में हेल्प करता है जैसे कि हमें इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्लाइको प्रोटीन इसके अलावा रिसेप्टर्स का भी काम करता है प्रोटीन रिसेप्टर्स को बनाता है हॉर्मोन्स को बनाता है हमने प्रोटीन हार्मोन पढ़ा है और सम ऑफ द हॉर्मोन्स पिगमेंट भी बनाता है जैसे कि हॉर्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन एंजाइम भी बनाता है ट्रिप्सिन है एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं और पिगमेंट का भी फॉर्मेशन करता है जैसे कि मायोग्लोबिन है या हेमोग्लोबिन है दो बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल मिलते हैं क्या बेहतरीन एग्जाम्पल मिलते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एनिमल वर्ल्ड में यानी एनिमल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन और अगर प्लांट वर्ल्ड या ओवरऑल बायोस्फीयर की बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को सो होल ऑफ द बायोस्फीयर ये बोल लो या प्लांट बोल लो तो वहां पर जो ज्यादा है वो कौन है रुबिस्को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आ, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अमाउंट है कंपाउंड की बात करें प्रोटीन कम नहीं कंपाउंड की बात करें तो वहां पर आता है सेल्युलस याद रखना ठीक है यहाँ पर क्या है प्रोटीन की बात हो रही तो पूरे वर्ल्ड में रूबिस्को रुबिस्को एक एंजाइम है आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है पूरा नाम क्या है राइब्लोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ये प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह काम करता है और ये बात बड़ी अच्छी है कि सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं स्ट्रक्चरल लेवल की बात करें स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमें चार स्ट्रक्चरल लेवल मिलते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर हम बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोटीन सबसे लेवल वन बड़ा ही लीनियर स्ट्रक्चर होता है सबसे सिंपल स्ट्रक्चर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रोटीन उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्सरी प्रोटीन और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाटमरी प्रोटीन शुरू करते हैं प्राइमरी प्रोटीन एक सीधी चेन मिलती है अमीनो एसिड की कैसी मिलती है सीधी चेन लीनियर चेन मिलती है अमीनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका साइड डिटर्मिनेशन होता है साइड पहचानते हैं इसका जो प्राइमरी अमीनो एसिड कैसे पहचानेंगे जहां पर अमीनो ग्रुप होगा कौन सा ग्रुप होगा अमीनो ग्रुप अगर इसमें देखें तो वो है ठीक है वो है अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप से काउंटिंग शुरू करते हैं और अमीनो ग्रुप को रखा जाता है कहां पर लेफ्ट साइड पे ठीक है तो वो हो गया लेफ्ट साइड और जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो लास्ट अमीनो एसिड होता है और उसे कहते हैं राइट साइड ऑफ अमीनो एसिड इसका साइड ऐसे भी डिटरमाइन करते हैं जो अमीनो ग्रुप है जहां पर उसे बोलते है है, हैं एन टर्मिनल एंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे बोलते हैं सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल एंड नाइट्रोजन होता है अमीनो ग्रुप में फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा लास्ट अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें दो तरह का मिलता है ये या तो हमें स्पाइरल मिल सकता है या तो हमें शीत फॉर्म में मिल सकता है कैसा मिल सकता है शीत फॉर्म में अगर स्पाइरल मिलता है तो उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा बोलता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और अगर शीत फॉर्म में मिलता है तो हम उसे बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीत याद रखना सेकेंडरी अमीनो एसिड यानी सेकेंडरी प्रोटीन के ही दो मिलते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीत और अल्फा हेलिक्स हमेशा क्या बनाएगा राइट हैंडेड हेलिक्स बनाएगा क्या बनाएगा राइट हैंडेड हेलिक्स सेकेंडरी प्रोटीन के दो एग्जाम्पल मिलते हैं केरेटिन और फाइब्रोइन फाइब्रोइन जो कि सिल्क या फाइबर बनाने में यूज होता है सिल्क फाइबर बनाने में फाइब्रोइन ये दोनों ही एग्जाम्पल है किसके सेकेंडरी प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर आता है थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हेलिकल स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे चला जाता है तो इसमें क्या है कि वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है कैसा स्ट्रक्चर बनता है वुलन बॉल जैसा और वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो अंदर एक हॉलो स्पेस होता है और हॉलो स्पेस में कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप पाया जा सकता है थ्री स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका कैसा स्ट्रक्चर है थ्री डी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जैसे एक एग्जाम्पल यहां मिलता है मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन में देखेंगे तो आ, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसमें हेम पार्ट प्रेजेंट है जो हॉलो स्पेस में आ, जो है सेट हो जाता है तो ये हमें स्ट्रक्चर मिलता है वुलन बॉल की तरह टर्शरी स्ट्रक्चर और अगर एग्जांपल इसका मायोग्लोबिन अगर कई टर्शरी स्ट्रक्चर एक साथ अरेंज हो जाए तो उसे कहते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर और इसका एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं और हर एक चेन में अपना अलग हेम पार्ट पाया जाता है आयरन कंटेनिंग पार्ट हेमोग्लोबिन एग्जाम्पल हो जाता है टर्स क्वार्टनरी प्रोटीन का ठीक है क्वार्टनरी प्रोटीन नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स की बात करें ये क्या होते हैं पॉलीमर ऑफ शुगर होते हैं क्या होते हैं पॉलीमर ऑफ शुगर और शुगर का मतलब मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमर होते हैं बड़े कंपाउंड बनते हैं चार एग्जाम्पल याद रखना स्टार्च किसका एग्जाम्पल है होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज याद रखना स्टार्च इज होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज सेलुलोज भी होमो ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन भी होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज इनुलिन इज होमोपोलीमर ऑफ फ्रक्टोज और मुझे जहां तक याद है आई थिंक 2017 में ये पूछा गया है या 18 में पूछा गया इनुलिन को लेकर पूछा गया है इनुलिन किसका पॉलीमर है तो याद रखना फ्रक्टोज का और स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन में, में क्या डिफरेंस आता है बेटा इनकी ब्रांचिंग का डिफरेंस आता है ठीक है ब्रांचिंग और फिजिकल अरेंजमेंट का डिफरेंस आता है जैसे देखो स्टार्च को देखोगे तो स्टार्च हमें लीनियर भी मिल सकता है और ब्रांच भी मिल सकता है कैसा मिल सकता है ब्रांच सेलुलोज हमें केवल और केवल लीनियर फाइबर के फॉर्म में मिलेगा सीधे फाइबर के फॉर्म में मिलेगा ग्लाइकोजेन में हाईली ब्रांच मिलेगा कैसा मिलेगा हाईली ब्रांच इसकी ब्रांच की भी ब्रांच की भी ब्रांच पाई जाती है ठीक है हाईली ब्रांच तो ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच है और ब्रांचिंग लेवल है तो ब्रांचिंग का ग्रेड कैसा है उसके बेस पर ये अलग अलग तरह के पॉलीसेक्राइड होते हैं जैसे यहां पर एग्जाम्पल आता है कि कुछ ऐसे पॉलिसेक्राइड भी हैं जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है और कॉम्प्लेक्स पॉलिसेक्राइड में इनमें क्या है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और उन्हें कहा जाता है अमीनो शुगर एग्जाम्पल मिलता है एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एनएसिटाइल गैलेक्टोसामीन याद रखना एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एनएसिटाइल गैलेक्टोसामीन एग्जाम्पल आता है काइटिन काइटिन आपको याद होगा फंगल सेल वॉल बनाता है आर्थोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है और इट इज अ होमोपोलीमर ऑफ एसिटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन दैट इज सीन इन एग्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स होमोपोलीमर होता है जो ठीक है होमोपोलीमर ऑफ मतलब होमोपोलीमर है किसका एनएसिटाइल ग्लुकोसामिन का अच्छा पुरानी एनसीआरटी में कहीं हेड्रोपोलीमर लिखा होगा तो हेड्रोपोलीमर पे जाना मत जाना ये होमोपोलीमर है काइटिन एग्जांपल है अमीनो शुगर का होमोपॉलीमर ऑफ एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड में आगे कि पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं बच्चों ये इनको इनको मतलब सिंपल शुगर को जोड़कर बनते हैं किसको जोड़कर बनते हैं सिंपल शुगर को जोड़कर बनते, जोड़ बनते हैं और सिंपल शुगर को जोड़ेंगे यानी अलग अलग शुगर को आपस में जोड़ेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ठीक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर देखना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा बनेगा ध्यान से सुनना ये फर्स्ट कार्बन है एक एक मतलब एक हेग्जो शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है और ये जो है सॉरी ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है ठीक है ऐसा होता है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कार्बन बाहर है ठीक है अब पर वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स कार्बन है ठीक है सिक्स कार्बन कहा है बाहर है अब देखोगे पोजीशन है ठीक है मैं मार्क कर दिया हूं। अब देखो तो यहां पर ये जो bond बन रहा है बच्चो ये कौन सा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ठीक है कौन सा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ही साइड बन रहा है यहां पर कैसा बन रहा है एक ही साइड तो इसे क्या बोलेंगे अल्फा एक साइड बनेगा तो क्या बोलेंगे अल्फा वन फोर वन फोर क्यों फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और जहां ब्रांचिंग होती है वहां पर देखो फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन के बीच में बन रहा है तो उसे बोलेंगे अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखना है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो लीनियर चेन में मिलता है और अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो ब्रांच में मिलता है जहाँ से ब्रांचिंग होती है ठीक है तो अल्फा वन सिक्स उसी में मिलेगा जहां पर ब्रांचिंग होगी और इसके बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एच टू ओ रिलीज होता है यानी एस्टर बॉन्ड में भी वाटर रिलीज हुआ पेप्टाइड बॉन्ड में भी वाटर रिलीज हुआ और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें भी वाटर रिलीज होता है तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी ब्रांच की भी ब्रांच की भी ब्रांच और उसकी भी ब्रांच दिख रही है तो ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है हम बोल सकते हैं ये किसका स्ट्रक्चर है ये है ग्लाइकोजन का किसका स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है ठीक है स्टार्च के दो फॉर्म मिलते हैं एक मिलता है अमाइलोज और एक मिलता है अमाइलोपैक्टिन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है यहाँ पर देखो अमाइलोज में ब्रांचिंग मिलती है हर यूनिट के बाद एक ब्रांच मिलती है अमाइलोपेक्टिन लीनियर स्ट्रक्चर होता है और लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो इसमें क्या है इसमें ब्रांचिंग नहीं मिलती तो ये भी स्टार्च के ही दो फॉर्म हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन उसमें डिफरेंस पाया जाता है फिर आते हैं स्टार्च के अगर हम बात करें तो स्टार्च जो है हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसा बनाते हैं हेलिक्स बनाते हैं जब बड़ा होता जाता है स्टार्च तो वह हेलिक्स बनाता है और हेलिक्स बनाता है तो उसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है नेट लाइक बिहेव करने लगता है और उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं इसीलिए आयोडीन का यूज़ किया जाता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को प्रूफ करने के लिए यानी स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है तो अगर स्टार्च का मॉलिक्यूल आयोडीन को ट्रैप कर लेगा देन इट विल शो ब्लू कलर और वो प्रूफ होगा किसका स्टार्च की प्रेजेंस का तो कई बार फोटोसेंथिस में स्टार्च की प्रेजेंस को प्रूफ करने के लिए लीफ को जो है एक सर्टेन ड्यूरेशन तक आयोडिन uh, में डिप करके रखते हैं तो जहाँ जहाँ आयोडिन के हमें ब्लू पैचेस मिलते हैं वहाँ वहाँ स्टार्च का प्रेजेंस पाया जाता है सेलुलोज कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता याद रखना है सेलुलोज कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता और इसलिए ये आयोडिन टेस्ट नहीं देता है स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और इसलिए ये आयोडीन टेस्ट देता है नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड अगला जो बायो uh, माइक्रो है न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं डीएनए एंड आरएनए ठीक है और ये बने होते हैं दे आर हेटरोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड के हेट्रोपोलीमर है याद रखना है अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं इसीलिए कहा गया है हेट्रोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और ये आपस में जुड़ते हैं कैसे जुड़ते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं क्या बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड नेकलेस में जैसे पर्ल होते हैं वैसे ये भी अरेंज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन उसकी एक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमें मालूम है न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस ठीक है नाइट्रोजनस बेस शुगर यानी कौन सा शुगर पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है कौन सा बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये फर्स्ट कार्बन के साथ बनाता है और फिफ्थ कार्बन के साथ ये बनाता है ये एस्टर बॉन्ड या बोला जाए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाता है तो दो बॉन्ड यहां दिख रहे हैं एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में दूसरा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में दो तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है डीएनए और आरएनए डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थामिन और साइटोसिन चारों के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं आरएनए में थामिन की जगह पर यूरासल का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक मॉडल वाटसन और एंड क्रिक ने मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और ये बी डीएनए का मॉडल है बेटा कौन सा डीएनए का बी डीएनए का मॉडल है बी डीएनए का मॉडल है जो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था क्या है इस मॉडल में जरा देखें तो हर एक डीएनए बना होता है दो पॉली चेन का ये पॉली चेन है और दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरल होती है बोथ चेन आर फाउंड टू बी एंटी पैरल टू ईच अदर बोथ चेन आर फाउंड टू बी एंटी पैरल टू ईच अदर और ये डबल हेलिक्स बनाते हैं दोनों एंटी पैरेंज होते हैं डबल हेलिक्स बनाते हैं और दोनों में जो एक फुल टर्न होता है एक फुल टर्न एक फुल टर्न यहां से यहां तक इसमें टेन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं टेन स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बेस पेयर्स कहते हैं और इसकी लेंथ जो है 3.4 नैनोमीटर होती है यानी एक कंप्लीट हेलिक्स की जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर होती है और इसमें 20 बेसिस पाए जाते हैं या 10 बेस पेयर पाए जाते हैं एक बेस पेयर में दो बेस प्रेजेंट होंगे यानी दो न्यूक्लियोटाइड का एक बेस पेयर बनेगा और एट ईच स्टेप द स्ट्रैंड 36 डिग्री यानी एक स्टेप है और दूसरा स्टेप है उनके बीच में कितना एंगल मिलेगा थर्टी सिक्स डिग्री का हमें एंगल मिलेगा एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा और इनके बीच में हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो ए टी टू ए टी के बीच में टू हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड हमें डीएनए में मिलते हैं और क्या बात बोली गई है और बात बोली गई है यहां पर फॉस्फेट ग्रुप को लेकर जब चेन बनाएगा ठीक है क्या बनाएगा चेन बनाएगा तो देखो यहां पे ध्यान से चेन जब बनाएगा तो फॉस्फेट ग्रुप एक बॉन्ड ऊपर बनाएगा और एक बॉन्ड नीचे इसको क्या हो गया ठीक है जब फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनाएगा तो एक एस्टर बॉन्ड ऊपर बनाएगा एक एस्टर बॉन्ड देखो फॉस्फेट ग्रुप है एक एस्टर बॉन्ड ऊपर एक एस्टर बॉन्ड नीचे तो इसे बोलेंगे क्या बोलते हैं डाई एस्टर लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा कौन सा फॉसफोस्टरबॉन्ड याद रखना फिर एक पॉइंट आता है कि बैकबोन ऑफ डीएनए डीएनए का बैकबोन देखो डीएनए का बैकबोन ये हो गया जो ब्लू पार्ट में जिसको शेड किया है ठीक है क्या शेड किया है ब्लू पार्ट में जो शेड किया है ये हो गया शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये मिलते हैं तो क्या बनता है बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एक बैकबोन ये एक बैकबोन ये दोनों में से स्टेप्स अंदर की तरफ मिलते हैं और वो स्टेप्स बने होते हैं किसके स्टेप्स बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस के स्टेप्स बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस के जो अंदर मिलते हैं तो वो बेस पेयर बनता है क्या बनता है बेस पेयर एडनिन हमेशा थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये बात याद रखना है कहाँ कहाँ कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे और इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में रन करती है उन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को मेटाबॉलिज्म कहते हैं जैसे तीन एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं रिमूवल ऑफ सी ओ टू फ्रॉम अमीनो एसिड टू फॉर्म अमीन अमीनो एसिड अमीन से सी ओ टू का रिमूवल होता है अमीन बनाने के लिए ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म का पार्ट है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में रन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट कहते हैं क्या कहते हैं मेटाबोलाइट और मेटाबोलाइट दो टाइप के होते हैं कैसे होते हैं बेटा एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोकेमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ वो उस बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे कि अमीनो एसिड शुगर न्यूक्लिक एसिड लिपिड वाइटामिन एक्सेट्रा दे आर फाउंड टू बी नेसेसरी फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली अपना फंक्शन शो करते हैं इसीलिए इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट कहा जाता है नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबोलिज्म ये मेटाबोलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या कहा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट और एग्जाम्पल हमें क्या क्या मिलते हैं इसमें अल्कलॉइड मिलते हैं ध्यान से देखो यहाँ पर ठीक है आपके पास पी होगी मैंने पी शेयर करी है एल्कलॉइड पिगमेंट टार्पिनॉयड एसेंशियल ऑयल टॉक्सिन लेक्टिन ड्रग्स पॉलीमेरिक सब्सटेंस ये हमें मिलते हैं किसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट में इनका पूरा एक चार्ट मिलता है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है भाई बड़ा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है क्या क्या इनमें चार्ट में मिलता है जरा देखिए हमें पिगमेंट मिलते, है मिलते हैं कौन कौन से कैरोटिनॉयड एंथोसाइनिन हमें एल्कोलॉइड मिलते हैं कौन कौन मॉर्फिन और कोडीन कफ सिरप में यूज किया जाता है ठीक है पेन किलर की तरह यूज किया जाता है ठीक है टार्पिनॉयड मोनोटार्पिन डाइटार्पिन एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल ठीक है हमें टॉक्सिन भी मिलते हैं एब्रिन और राइसिन ये टॉक्सिन है इंपॉर्टेंट है पूछे गए हैं इस टेबल से सीधा क्वेश्चन आता है ड्रग्स में, ड्रग में हमें रबर गम्स और सेलुलोज मिलता है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन अगर आपस में लिंक होते हैं तो उसे मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस देखोगे स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और ग्लाइकोलाइसिस में ये जो स्टेप्स हैं ये आपस में लिंक हैं और इसलिए ये क्या बनाते हैं मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं एंड दे आर फाउंड टू बी ये कैसे मिलते हैं ये सेम मिलते हैं जैसे शहर का जो ट्रैफिक रूट होता है ठीक है तो कई बायोकेमिकल रिएक्शन आपस में मिक्स होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं तो ये क्या बनाता है मेटाबॉलिक पाथवे एंड इट इज अ टू बी सेम एज ट्रैफिक रूट ऑफ एनी सिटी किसी भी सिटी के ट्रैफिक रूट के सिमिलर मिलते हैं टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे दो टाइप के होते हैं आइडर दे आर एनाबॉलिक और दे आर कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है इसमें एनाबॉलिक रिएक्शन होता है जहां भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें एनर्जी का यूज हो यूटिलाइजेशन हो छोटे कंपाउंड्स को मिलकर बड़ा कंपाउंड का सिंथेसिस हो तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें हम फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल की बात करें असेंबली ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन की बात करें फोटोसिंथेसिस की बात करें यहाँ पर बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसलिए एग्जाम्पल है एनाबॉलिक पाथवे का दूसरा आता है कैटाबॉलिक पाथवे कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है बड़े कंपाउंड ब्रेक होते हैं ब्रेक डाउन होता है डिस्ट्रक्शन होता है छोटे कंपाउंड्स बनते हैं एनर्जी रिलीज होती है जैसे ग्लाइकोलाइसिस क्रैपसाइकल यहाँ पर बड़े कंपाउंड ब्रेक होते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी एक्टिविटी चलती है आइदर इसमें एनर्जी यूज होती है जैसा कि एनाबॉलिक बात में आइदर इसमें एनर्जी रिलीज होती है जैसा कि कैटाबॉलिक पाथ में लेकिन सब कुछ के लिए एनर्जी जरूरी है क्योंकि यही हमारी बॉडी का रनिंग फ्यूल है हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो एनर्जी चाहिए और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए ए के फॉर्म में और ए टीपीडर्ड एज एनर्जी कॉइन ए क्या कंसिडर होता है एनर्जी कॉइन एक पॉइंट आता है लिविंग स्टेट लिविंग स्टेट क्या है जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन चलते रहेंगे तब तक हमारी बॉडी काम करती रहेगी तब तक हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी और हमारी बॉडी लगातार इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम करे क्यों फुलफिल करे ताकि बॉडी स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाए बॉडी इक्वलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाए जहां पर वर्गडन बराबर जीरो हो जाए और अगर वर्गडन बराबर जीरो हो गया तो वो कैरेक्टर होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का ठीक है तो इसलिए जब तक हम लिविंग हैं हमेशा हमारी बॉडी इक्ब्रियम में पहुंचने की कोशिश करेगी लेकिन कभी भी पहुंचेगी नहीं कब पहुंचेगी जब हमारी डेथ हो जाएगी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जीरो हो जाएगी हमारा वर्क डन बराबर ज़ीरो हो जाएगा हम इक्ब्रियम स्टेट में पहुंच जाएंगे लेकिन जब तक जिंदा है हम इक्ब्रियम में पहुंचने की कोशिश करेंगे कभी भी एक्ब्रियम में नहीं पहुंचेंगे और इसी को कहा जाता है लिविंग स्टेट क्या कहा जाता है लिविंग स्टेट नेक्स्ट आते हैं एनजाइम्स पे जैसा कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के परफॉर्म होने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है ऐसे ही बायोकेमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो हमें बायो कैटलिस्ट की जरूरत होती है तो उसे कहते हैं एंजाइम और ये एंजाइम बने होते हैं किसके प्रोटीन के सो इट इज सेट दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हैं एक्सेप्शन को छोड़ दो एक्सेप्शन हमें तीन मिलते हैं राइगोजाइम आर एन एस पी एंड एटीपेज ये तीन एक्सेप्शन है ये नॉन प्रोटीन है एंजाइम है नॉन प्रोटीन है एंजाइम की तरह काम करते हैं इनके अलावा जितने भी एंजाइम है वो सभी किसके बने हैं प्रोटीन के एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं एक ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं एंजाइम का स्ट्रक्चर थ्री डी होता है टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है इसका और इनमें पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एक्टिव साइट कहा जाता है और इसी एक्टिव साइट से ये रिएक्टेंट से जुड़ते हैं और रिएक्टेंट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट क्या बोलते हैं बेटा सबस्ट्रेट राइबोजाइम राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है आर है दैट बिहेव लाइक एनजाइम वो एनजाइम की तरह बिहेव करता है रिएक्शन की बात करें तो यहां पर आप लॉक एंड की हाइपोथेसिस देख रहे हो लॉक एंड की हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इसमें जो लॉक है वो रिएक्टेंट है जो की है वो एंजाइम है की क्या करता है लॉक को कभी ओपन कर देता है कभी क्लोज कर देता है यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देता है और ओपन और क्लोज करने में की की सेहत पे यानी एंजाइम की सेहत पे कोई फर्क नहीं आता यानी रिएक्शन में एंजाइम अनअफेक्टेड रहता है ओनली सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट ठीक है अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो एंजाइम क्या करता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एक टेम्प्रोरी अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसके बाद सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और एंजाइम अलग फिर हो जाता है अगले सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए ताकि वो अगले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सके यानी एक एंजाइम एक एक करके एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सकता है अब कितना तेज बदलता है उसको लेकर एक आ, जो है एक वैल्यूएशन आता है कैसा वैल्यूएशन आता है टर्नओवर नंबर टर्नओवर नंबर क्या है एक एंजाइम एक सेकंड में एक एक करके जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं उसे कहा जाता है टर्नओवर नंबर क्या कहा जाता है टर्नओवर नंबर जैसे कि एक एग्जांपल है एग्जाम्पल क्या है कि एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर यह एंजाइम जो रिएक्शन परफॉर्म करता है क्या रिएक्शन परफॉर्म करता है? CO2 और वाटर का कार्बोनिक एसिड में कन्वर्जन कराता है अगर ये एंजाइम ना हो तो ये रिएक्शन बड़ा स्लो होगा कितना स्लो होगा 200 हंड्रेड का फॉर्मेशन होगा एक घंटे में इस एंजाइम की एब्सेंस में कौन सा एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज लेकिन जब ये एंजाइम प्रेजेंट होता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन टेन मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है और तब क्या हो जाता है सिक्स लाख मॉलिक्यूल्स इन वन सेकेंड ये फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, हैविंग हाईएस्ट टर्नओवर नंबर और हाईएस्ट टर्नओवर नंबर कितना मिलता है सिक्स लाख पर सेकेंड ठीक है और हमने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस के जैसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं सभी अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन है और ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या बनाते हैं मिलकर मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक पाथवे का रेट हमेशा डिसाइड होता है उस स्लोएस्ट रिएक्शन से ठीक है जो रिएक्शन सबसे स्लो होता है वही मेटाबॉलिक पाथवे का रेट डिसाइड करता है जैसे यहाँ पर देखें अ केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वहां पर जब भी परफॉर्म होगा तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं बॉन्ड ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट का कन्वर्जन होता है किसमें प्रोडक्ट में और हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन टाइम टेकन कितना प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगा इससे डिसाइड होता है रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा पी यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डेल्टा टी यानी टाइम टेकन इन द रिएक्शन अगर हमें रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम है कि रिएक्शन किस रेट से किस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी उस रिएक्शन की स्पीड क्या है कितना फास्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कई ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं जैसा कि एक आता है टेम्परेचर एक एक करके देखते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है तो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है और एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा देखो यहाँ पे ध्यान से हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा क्योंकि एक समय के बाद हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा जो प्रोटीन को ब्रेक करने लगेगा डी करने लगेगा लेकिन जब तक ये इंक्रीज हो रहा है जब तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तब तक ये रूल एक, एक फॉलो करता है जिसको बोलते हैं टी टेन रूल क्या बोलते हैं टेन डिग्री सेल्सियस रूल क्या होता है समझो जब तक ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है मान लो फाइव डिग्री सेल्सियस से टेन डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ऐसे करके बढ़ रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे उसका डबल होगा यानी एक सर्टेन ड्यूरेशन में ये जो ड्यूरेशन है जहां तक एंजाइम एक्टिविटी क्या हो रही है बढ़ रही है इस सर्टेन ड्यूरेशन में हर दस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो और यहां पर है लॉक एंड की मॉडल जिसे एम एल फिशर ने प्रपोज किया था हाइपोथेसिस हाउ डू एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करते हैं बाई अफेक्टिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जैसे हम पहले क्या था आजकल तो सेल्फ आ गया है पहले गाड़ियों में किक मारनी पड़ती थी तो किक मारते थे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता था तो ये जो किक हम देते थे गाड़ियों में वो क्या देता था एक्टिवेशन एनर्जी आजकल वो सेल्फ से होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती एक्टिवेशन एनर्जी और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है एनजाइम क्या करता है इसी एक्टिवेशन है ये मान लो एक्टिवेशन एनर्जी है इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है यानी पहले जहां एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती थी प्रोडक्ट स्लो बनता था अब एनर्जी कम देनी पड़ती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है तो एंजाइम रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी और इसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन एक्सेलरेट होता है अब यहां पर एक बात आती है ये देखो प्रोडक्ट और जो है रिएक्टेंट का लेवल है ये रिएक्टेंट का लेवल है ये प्रोडक्ट का लेवल है दोनों का लेवल अलग अलग है देखो यहां पे अगर रिएक्टेंट का लेवल प्रोडक्ट से ठीक है हाई है रिएक्टेंट का लेवल प्रोडक्ट से हाई है देन दिस रिएक्शन इज टेंड टू बी एक्सोथर्मिक क्या होगा एक्सोथर्मिक ठीक है ये रिएक्शन क्या होगा एक्सोथर्मिक यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है और अगर प्रोडक्ट का लेवल हाई होगा तो ये क्या होगा रिएक्शन एंडोथर्मिक यानी जितना एनर्जी दिया गया उतना उसमें से रिलीज नहीं हुआ याद रखना एक बात एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एनजाइम एक्टिवेशन एनर्जी विद एनजाइम ठीक है इतनी एनर्जी में कमी आई प्रोडक्ट एक्सेलरेट हुआ सबस्ट्रेट का लेवल प्रोडक्ट का लेवल ठीक है जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है एनर्जी रिलीज कर रहा है ये क्या कहला रहा है एक्सोथर्मिक, अगर प्रोडक्ट ऊपर बने तो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा रिएक्शन क्या होगा एंडोथर्मिक तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेट से ऊपर है तो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक लेवल ऑफ प्रोडक्ट सब से नीचे है जैसा कि यहां हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या होगा होगा एक्सोथर्मिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी तो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से है? हैं टेम्परेचर एंड पी एच टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी एक टाइम के बाद हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा एंजाइम एक्टिविटी कम होगी और ये सभी एंजाइम्स के लिए मिलता है किसके लिए मिलता है सभी एंजाइम्स के लिए पीएच के लिए क्या है भाई अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पर एक्टिव पाए जाते हैं जैसे कि एक एंजाइम है यहाँ पर देखो टाइलिन जो माउथ में सलाइवा में प्रेजेंट होता है सिक्स पॉइंट पर एक्टिव होता है स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन हाईली एसिडिक पीएच पर एक्टिव होता है वन

सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो एंजाइम अपनी फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा फुल कैपेसिटी यानी अपने टर्नओवर नंबर पे काम करने लगेगा लेकिन उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होता है ध्यान से देखो हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया ठीक है ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने लगी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने लगी एक टाइम पे जाके वो क्या हो गया कांस्टेंट जिस कॉन्सेंट्रेशन पे कांस्टेंट हुआ है उसे बोलते हैं वी मैक्स यानी ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई है मैक्सिमम हो गई है अब वो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे ये वी मैक्स का कॉन्सेंट्रेशन है फिर हम बात करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वी मैक्स बाई टू मिला जिस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन हमें वी मैक्स बाई टू मिलता है उसे हम कहते हैं मिशलीज मेंटन कॉन्स्टेंट या के एम वैल्यू ये के एम वैल्यू डिसाइड करती है कि एंजाइम कितना फास्ट काम करेगा और कितना स्लो काम करेगा जिसकी के एम वैल्यू ज़्यादा वो एंजाइम उतना स्लो जिसकी के एम वैल्यू कम वो एंजाइम उतना फास्ट इसका यूज़ किया जाता है एंजाइम के स्पीड को या एंजाइम की एक्टिविटी को रेट ऑफ एक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा एंजाइम फास्ट काम करता है और कौन सा एंजाइम स्लो काम करता है तो याद रखना जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट बढ़ाएंगे वी मैक्स पे पहुंचेगा और इसी से डिसाइड होगा कि वो एंजाइम कितना फास्ट काम करता है किससे डिसाइड होगा के वैल्यू से के वैल्यू जिसकी ज़्यादा वो एंजाइम उतना स्लो के एम वैल्यू जिसकी कम वो एंजाइम उतना फास्ट नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर कभी कभी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो रेप्लिका बनाते हैं सबस्ट्रेट का और एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं उन्हें इनिबिटर कहा जाता है ठीक है इनिबिटर कहा जाता है और यहां पर इस रिएक्शन को इनिविशन कहते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिविट करता है जैसे यहां पर एक कॉम्पिटिटिव इनिवीटर का एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनिवीटर का एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनिवेटर में क्या होता में है बेटा देखो कॉम्पिटिटिव इनिविटर में सबस्ट्रेट है एंजाइम है अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा प्रोडक्ट बनेगा लेकिन अगर एक इनिविटर आया जाए और इनिविटर का एक्टिव साइड किसके सिमिलर हो सबस्ट्रेट के सिमिलर हो और किसके अपोजिट हो किसके कम्पेटेबल हो एंजाइम के कम्पेटेबल हो तो यहां पे कंपटीशन जनरेट होगा कि एंजाइम के साथ कौन जुड़ेगा सबस्ट्रेट जुड़ेगा या इनिबिटर जुड़ेगा अगर इनिबिटर जुड़ गया तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा नो प्रोडक्ट विल फॉर्म और इसीलिए यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है और इसे कह रहे हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिशन एग्जाम्पल मिलता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनिबिट करता है कौन इनिबिट करता है मैलोनेट और मेलोनेट इनिबिट करता है किस सबस्ट्रेट को सक्सिनेट को इनिबिट करता है तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है जनरली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का हम यूज कहां करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियल पैथोजन के इन्फेक्शन को बैक्टीरियल पैथोजन की से होने वाली डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन और इंड्यूस्ड इनिबिशन कोर्स में नहीं है नेक्स्ट आता है नॉमन क्लेचर ऑफ एंजाइम नॉमन क्लेचर ऑफ एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का नॉमेन क्लेचर रहा है अलग अलग टाइम पर सबसे पहले जो नॉमन क्लीचर रहा है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी नॉमन क्लेचर इसमें एंजाइम का नाम बिना किसी रीजन के रख दिया जाता था कुछ भी पप्पू ठीक है जो भी नाम रखना हो वो रख दिया जाता था ठीक है चिंटू पिंटू जो भी नाम हो वो रख दिया जाता था प्राइमरी नॉमन क्लेचर जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन बस नाम रख दिया दूसरा है बाद में आया कि जिस सोर्स से वो एंजाइम मिला उस सोर्स के नाम पर नाम रखें जैसे कि पपाया से मिला तो नाम रख दिया पेपेन ये भी एक एग्जाम्पल मिलता है बाद में आया मॉडर्न नॉमिन क्लेचर और मॉडर्न नॉमिनक्चर तीन चीजों से मिलकर बनता है जिससे कि एंजाइम की पहचान होती है पह, पहला हो नेम ऑफ सबस्ट्रेट किस सबस्ट्रेट पर एंजाइम काम कर रहा है दूसरा नेम ऑफ रिएक्शन किस तरह का एंजाइम काम कर रहा है यानी कौन सा रिएक्शन करा रहा है उसके बाद एक सफिक्स लगाते हैं एज जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ठीक है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज़ यानी सक्सिनेट पर एक्ट करता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराता है और एज लगाया गया है उसका सफिक्स सो नॉमिनचर के बेस पर अगर हम बात करें तो एंजाइम सिक्स टाइप के होते हैं कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजेनेज ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिहाइड्रोजेनेशन कॉज करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज एग्जाम्पल है जो भी डिहाइड्रोजनेज या ऑक्सीडेज एंजाइम जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये एग्जाम्पल आएगा किसका ऑक्सीडोरिडक्टेज का दूसरा आता है ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज वो एंजाइम है जो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे कंपाउंड पे ट्रांसफर करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ट्रांसमिनेज काइनेज ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं इसलिए नाम पड़ा ट्रांसफरेज थर्ड आता है हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज जो ईस्टर ईथर या पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी वाटर प्रोवाइड करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं जैसे एग्जाम्पल ईस्टरेज और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक है लाइपेज प्रोटीज़ वो सभी किस में आते हैं हाइड्रोलेज में नेक्स्ट आता है लाइज बिना वाटर को प्रोवाइड किए बॉन्ड को ब्रेक करता है सो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एग्जाम्पल है डी कार्बोक्सिलेज एल्डोलेज नेक्स्ट आता है आइसोमरेज आइसोमरेज जो एक कंपाउंड को उसके आइसोमर में चेंज कर देता है जैसे कि ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट को चेंज कर दिया फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में क्या नाम है फॉस्फोहेक्इसोमरेज और फिर आता है लाइगेज एंजाइम लाइगेज क्या हो गया दो कंपाउंड को जोड़कर बड़ा कंपाउंड बना दिया लाइगेज जैसे सिट्रिक एसिड सिंथेटेज ठीक है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज ये किसका एग्जाम्पल है लाइगेज का फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें

एक्टिव होता है और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो एंजाइम अपनी कैटेलिटिक एक्टिविटी खो देगा ठीक है अब को फैक्टर तीन टाइप के होते हैं कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है को होता है मेटेलाइन होता है कौन कौन सा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम मेटेलाइन ये हमें को फैक्टर मिलता है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है ऐसा को फैक्टर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एपो के साथ टाइटली बाउंड है उसे बोलते हैं जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप एग्जाम्पल हमें हेम पार्ट दिखता है जो कि मिलता है हमें कौन से एंजाइम में पेरोक्सीडेज और कैटलेज एंजाइम मिलता है और ये एंजाइम किस में हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एच टू में वर्क करते हैं दूसरा है कोन्जाइम ये भी ऑर्गेनिक होता है लेकिन लूजली बाउंड होता है ये मेनली कोज़ाइम हमें मिलते हैं विटामिनस में पाए जाते हैं जैसे कि एन NAD और एन इनमें नियासिन प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है नियासिन थर्ड आता है मेटल आयन मेटालाइन में आयनिक कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम्स के साथ यानी एपो एन्जाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं और एक एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं और उसे बोलते हैं साइट क्या बोलते हैं एलोस्टियरिक साइट जैसे एग्जाम्पल जिंक एक को फैक्टर है जो एंजाइम में पाया जाता है कहाँ पाया जाता है कार्बॉक्सीपेपटाइडिज ये था एंजाइम के बारे में बच्चों और ये था बायोमोलिक्यूल के बारे में वन शॉट मुझे उम्मीद है नोट्स लेकर रिवाइज करोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी ठीक है क्लियर होती जाएंगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है बहुत अच्छे से कर लोगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर